बार बार फीमेल के प्राइवेट पार्ट की तरफ ध्यान क्यों जाता है? क्या ध्यान जाना नॉर्मल है, क्या ध्यान जाना बीमारी है? तो विंध्याचल जी, आपकी बीमारी इसी कारण हुई है कि आपका ध्यान बार बार फीमेल की छाती पर जाता है और जो ये कूल्हे हैं, कमर है, वहां पर जाता है। तो ये क्यों जाता है, इसके पीछे विज्ञान मनोविज्ञान क्या है? तो आपको क्या लगता है कि ये ध्यान जा रहा है, ये क्यों जा रहा है, इसका क्या मतलब है? मुझे तो यही लगता है सर कि कहीं ना कहीं उस चीज को लेकर, उस लेडीज के बॉडी पार्ट को लेकर मेरे भावने मन में कुछ भाव प्रकट हुए होंगे या भावना पैदा हुई होगी, फिर उसके हिसाब से धीरे धीरे वो आदत बनी या फिर उसके गलत भावना पैदा हुई। हाँ, ये भावना पैदा हुई, उसे गलत का लेबल किसने लगाया? वो गलत का लेबल जैसे मैंने ही खुद अपने दिमाग वो सीख के अनुभव से लगाया, लेकिन जो आपको पता है कि ये गलत है, यही तो ज्ञान रोग है, वो अधूरी जानकारी है, वो गलत जानकारी है, वो भावना गलत ना थी, ना है, ना होगी। ये जीन साइकोलॉजी का हिस्सा है। जैसे आपने पढ़ा होगा ना कि हम जीन्स लिए हुए होते हैं, हमारे डीएनए जीन्स होते हैं ना, भी आपके माता पिता से आपको जीन्स मिले, गुणसूत्र मिले, क्रोमोसोम जिसे बोलते हैं, साइंस वाले ज्यादा जानते हैं, उसी से शरीर, आंखें, बाल, वो सारे अपने माता पिता पर निर्भर करता है ना, भी उनके जीन्स हैं, वैसे उनके जीन्स, पीछे उनके माता पिता, ऐसे मिल मिल के सारी चीजें आती है। तो ये मानव प्रजाति आज से तो पैदा हुई नहीं है, ये भी तो करोड़ों सालों से चली आ रही है। तो करोड़ों सालों कि जो मेहनत है वो जीन्स के माध्यम से ट्रांसफर होती रहती है। तो बहुत सारी चीजें हम जीन से लेकर आते हैं, जो जरूरी चीजें हैं, जो बेसिक चीजें हैं, वो सारी हमें जीन से आती है। क्या समझे? बेसिक चीजें हमारे मतलब माता पिता के जो जीन्स होते हैं वही उसके संतान में आती है। हाँ, और वो उनकी माता पिता से आई, वो उनके अपने माता पिता से आए होंगे। हाँ, ऐसे ही चलता रहा ना करोड़ों सालों से, जब से इंसान बना। अब हमें भूख लगती है, ये भी तो जीन से सारा कुछ डेवलप हुआ है ना, सारी चीजें कुदरत ने डेवलप की है। और वो जो कुदरत ने, अब देखो जो सीख लिया कुदरत ने, जो वो सेव कर लेता, वो सेव किया हुआ जीन्स के द्वारा आगे चला जाता है अगली संतान में। तो अब देखो करोड़ों सालों में ये हाथ बने, बाल उगने आरंभ हुए, अरबों साल लग गए ना इसको जीव विकास को, अरबों सालों से जो विकास, वो दोबारा थोड़ी ना हो सकता, नया बच्चा लेगा वो अरब साल थोड़ी ना इंतजार करेगा। तो वो जो इन्फॉर्मेशन है, जो सारी प्रक्रिया है करोड़ों सालों की, वो एक जीन में कैद हो जाती है, उसी जीन में आगे से फिर प्रोसेस शुरू होती है। अब हमें जैसे ही बच्चा पैदा होता है वो चलना फिरना खेलना आरंभ कर देता है, ये नहीं है कि पीछे करोड़ों सालों में जो विकास हुआ वो करेगा, क्योंकि वो विकास तो जीन के माध्यम से उसके अंदर पहले से ही आ गया। तो ये प्राइवेट पार्ट्स की तरफ ध्यान जाना, अट्रैक्ट होना, ये तो जीन से आया है ना, गलत कैसे हुआ? गलत मेरे मन में ये भाव था सर, जैसे गलत तो नहीं है कि एक आपसे जो रिलेटेड लेडीज है, आपकी पत्नी है, गर्लफ्रेंड, जो भी एक्स वाई जेड है, उसके प्रति ऐसे भाव पैदा होना कोई बड़ी बुरी बात नहीं है, लेकिन जैसे माँ और सिस्टर, चाची, ताई, जो भी है, रिलेटिव हो गए, फैमिली हो गए, उनके प्रति भी ऐसे नेगेटिव थॉट देखना, ये गलत नहीं है। क्योंकि जीन्स को ना तो माता पिता का पता, ना भाई बहनों का पता, ना ताई चाचू का पता। जीन्स में ये इंफॉर्मेशन नहीं फीड होती कि ताया है, चाचा है, ये कुछ नहीं होता उसमें, ये तो समाज हमें सिखाता है। अभी यहाँ कंफ्यूजन होगी ना, समाज ने कुछ अलग दिया, जीन से कुछ अलग आ रहा है, वही मानसिक रोग है। अब देखिएगा, ये जीन्स है, ऐसे होते हैं ना जोड़े से, वो ऐसे जोड़े से, पता नहीं जो भी है, आप एक डेमो मार रहे हैं, वो ऐसे बहुत सारे जोड़े से, जो कोई 23 जोड़े बोलता है, 46 गुण सूत्र होते हैं, जो भी है। तो ये हमें मिल गए, हमारा जन्म हो गया, बच्चे का जन्म हो गया, ये बच्चे का जन्म हुआ। अब उसमें जो जीन्स आ गए करोड़ों सालों के सारे आ गए ना, तो अब बच्चे का जन्म हुआ, अब बच्चे का जन्म होते ही सबसे पहले उसमें जीन्स होते हैं जो भूख वाले, वो एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि
भूख ना लगेगी उसे तो वो खाना नहीं खाएगा तो मर जाएगा ना, फिर प्यास, वो सारे जीन्स उसकी बेसिक जो प्रवृत्तियां हैं वो एक्टिव हो जाएंगी, और लगभग 13 साल की उम्र के अंदर उसके अंदर क्षमता आ जाती है कि वो अब आगे बच्चे पैदा कर सकता है। तो 13 साल से पहले बच्चे के अंदर ये भावना पैदा नहीं होती है सेक्सुअल अट्रैक्शन वाली, ये उस समय ही हार्मोन रिलीज होगा। जैसे ही हार्मोन रिलीज हुआ अपने आप कुदरत ने किया है ना, कुदरत पहले नहीं कर सकती। कुदरत जैसे एक छोटा सा पेड़ है, जैसे कुदरत जैसे पेड़ बड़ा हो जाए जो फलों को संभाल सके उसी पर ही फूल आते हैं ना, या बस फूल पहले उग जाए पेड़ बाद में उगे, ऐसा तो नहीं है ना। प्रकृति का नियम है सर ये। हाँ, प्रकृति का नियम है कि जो जितना ज्यादा पेड़ बड़ा होगा उतने ज्यादा उसके आएंगे, एक टाइम के बाद ही उसके ऊपर फल फूल आएंगे। हाँ, आजकल हाइब्रिड का जमाना, वो अलग बात है, वो तो फूल पहले आ जाए पेड़ बाद में उग सकता है। ये तो हमने जीन्स को कर दिया, साइंस ने एक्सपेरिमेंट किया। हाँ, एक्सपेरिमेंट कर दिया, लेकिन जो कुदरत का नियम है वो इससे अलग है ना। तो उसी प्रकार 13 साल में वो संभालने लायक हो जाता है, तो उसमें सारी चीजें एक्टिव हो जाती हैं। तो जैसे लड़का है उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस आएंगे, उसकी आवाज भारी होगी, दाढ़ी मूछ उगेंगे, प्राइवेट पार्ट्स पर बाल आएंगे, जो बाकी पेनिस है उसमें भी सेंसेशन और ज्यादा बढ़ जाएगी, और वीर्य निर्माण होने लग जाएगा। ये सारी चीजें एक उम्र के बाद शुरू होती है। वैसे ही फीमेल के अंदर परिवर्तन आते हैं, उनकी आवाज पतली होना, ब्रेस्ट का साइज बड़ा होना, ये कुदरती प्रोसेस है। तो आप देखो 13 साल का लड़का है एक, उसके अंदर ये चीजें आने लग गई, कुदरत है ना, कुदरती पैदा हुई, आपने नहीं की। अब जो सामने फीमेल है, अब कुदरत ने जीन्स दिया है, अभी सामने जो फीमेल है उससे उसने जोड़ा बनाना है और उसने उससे संतान उत्पन्न करनी है। कुदरत ने जो जीन्स यहाँ फिट कर दिए उनके अंदर यही इंफॉर्मेशन फिटेड है कि हमें बच्चे पैदा करने हैं। कुदरत ने हमारा मकसद एक दिया कि भाई आप बच्चे पैदा करो, बच्चे पैदा करो, उससे आगे वंश वृद्धि होती रहे ना। इससे पेड़ों का और क्या मकसद होता है, बीज पैदा करना ही होता है, वो फूल लाते हैं ताकि पराग उत्पन्न हो सके, मक्खियां अट्रैक्ट हो ताकि वो बीज बन सके ना। वो तो अपने लिए फूल पैदा करते हैं ना, हमारे लिए नहीं, ताकि उनके अंदर बीज बन पाए ना। मेल फूल है, फीमेल फूल है, ये भी तो होता है ना, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए खिलते हैं, है ना, क्या समझे? समझ गया सर। ये जैसे जेंट्स के अंदर लेडीज के प्रति आकर्षण होना प्राकृतिक रूप से स्वाभाविक है। हाँ, अब गड़बड़ कहाँ होती है कि चाचा ताया भाई बहन, वो कहाँ होती है? अब देखो प्रकृति ने पैदा कर दी, अब वो फीमेल के सबसे पहले देखो कोई भी जीन्स है वो चाहता है कि वो जिससे जोड़ा बनाए उससे बच्चा पैदा होगा, उसको भरपूर खाना मिले। हम खाने पीने के लिए ही तो सारा कुछ कर रहे हैं, भी सेव करके रखते हैं, अनाज सेव करते हैं, पैसा सेव करके रखते हैं ताकि भूखा ना मरना पड़े। हमारी लगभग ऊर्जा अपनी भूख को शांत करने में ही खर्च हो जाती है, और प्रकृति ने हमें ऐसा ही बनाया है कि हम जब करोड़ों साल पहले जंगलों में थे तो उस समय फल फूल खाना, मांसाहार करना, मार के खाना, यही हमारा दिनचर्या होती थी। इस सुबह शिकार के लिए निकल पड़ते और शाम तक आ जाते फिर अगले दिन, और जो फीमेल्स हैं वो भी शिकार किया करती, लेकिन जब वो प्रेग्नेंट होती तो उनको देखभाल की आवश्यकता होती, जब छोटा बच्चा उनका होता तो उनको शिकार लाके देने की आवश्यकता होती, जो मेल है वो उनको भोजन लाके दिया करता था क्योंकि वो ला नहीं सकती ना, क्या समझे? वो लेडीज का वो मतलब जेंट्स वो बच्चा होने के टाइम पे वो खाना पीना की व्यवस्था करते थे, और पहले जंगलों में रहते थे तो फल फूल और पेड़ पौधों पर ही खाने पे निर्भर रहते थे। हाँ, तो ये ऐसे हमारे सीन्स तो भाई ऐसे ही आए हैं ना, शिकार करना ये हमारे जीन्स में है ना। तो अब देखो, अब मेल है वो लड़की की तरफ देखता है तो वो देखता है कि उसकी छाती बड़ी है, तो उसका मतलब क्या है कि इससे जो बच्चा पैदा होगा उसको भरपूर खाना मिलेगा और वो भूखा नहीं मरेगा, इसलिए उसको बड़ी ब्रेस्ट पसंद आती है।
ये जीन्स में है, क्योंकि इसकी जीन्स देखते हैं ना, अब वो जीन्स है, अब सामने देखे एक लड़की है, वो उसे नहीं पता ये चाची है, ताई है, भाई है, बहन है, माँ है, उसको नहीं पता। जीन्स के अंदर ये थोड़ी ना भाई बहनों का, ये तो कंसेप्ट ही बहुत बाद में आया भाई बहन का। करोड़ों साल जब पहले जंगल में रहते थे तो भाई बहन कुछ हुआ करता था, उस समय तो शादियां ही नहीं थी, शादियां थी कबीले हुआ करते थे, और जो स्ट्रोंग मेल है जिसे अल्फा मेल कहते हैं उसके इसके साथ ही सारी जो फीमेल्स हैं, मादा है जिसे नर मादा बोल देते हैं, जो मादा जो स्ट्रोंग मादा होता था वो स्ट्रोंग नर वो लीडर हुआ करता था। वो शारीरिक रूप से उस समय तो जरूर थी ना, जो ज्यादा शिकार कर सकता है, दूसरों को मार सकता है, जो रक्षा कर सकता है। तो मादा क्या देखती थी कि जो ज्यादा भोजन ला के दे पाए, रक्षा कर पाए, जो ताकतवर हो, तो उसी से वो जोड़ा बनाते थे, या कोई कमजोरों से बनाएगी। सही बात है सर, बोलो। ताकतवर के साथ ही वो अपने खाना पीने की व्यवस्था अच्छी तरीके से रखेगा तो उसी के साथ वो सब। अब वो उसकी और उसकी बच्चे की रक्षा कर पाएगा ना, अब कमजोर से वो जोड़ा बना ले और उससे बच्चा पैदा हो जाए ना, तो वो उसको खिला पाएगा ना बच्चे की रक्षा कर पाएगा। तो ये फीमेल्स के जीन्स चाहते हैं ताकत, फीमेल हमेशा ताकतवर को ही पसंद करेगी, क्या समझे? फीमेल ताकतवर को ही जीन्स को पसंद करेगी, हाँ, ताकि वो उसका भरण पोषण अच्छे से कर सके, उसके बच्चों को अच्छे से ध्यान रख। तो इसीलिए गुंडे मवाली जो होते हैं ना, बैड बॉय, वो लड़कियों को ज्यादा पसंद आते हैं। ये साइकोलॉजिक फैक्ट है। हाँ जो शरीफ सा हो, बहुत ही नाइस सा बंदा, उसको लड़कियां पसंद नहीं करेंगी। शादी बोले वाले अट्रैक्टिव होते होंगे नहीं, उसको लगेगा ये रक्षा ही नहीं कर पाएगा, ऐसे ही लल्लू सा है, पढ़ाई में टॉपर हो। हाँ, जो आजकल पढ़ाई में तो आजकल तो लालच बस होता है ना, जीन्स अलग होते हैं, लालच अलग होते। चलो इसको ही पढ़ाते हैं। पापा पहले मेल की बात कर रहे थे, तो मेल देखता छाती क्यों देखता है? ताकि इससे जो बच्चा पैदा होगा उसको खाना अच्छा मिले। अब वो देख ले जिसकी छाती है ही नहीं, तो जीन्स कहेंगे अरे अरे बच्चा भी पैदा हो गया तो भूख मर जाएगा, फिर भाई क्या हुआ? हाँ, बच्चे की अच्छे से ग्रोथ ही नहीं होगी, दूध नहीं मिला तो वो जीवित ही नहीं रह पाएगा। तो वो जीन्स देखते हैं सबसे पहले कि छाती, तो हमारा पहला ध्यान छाती पर इसलिए जाता है। क्यों जाता है? हमारा छाती पर ध्यान, ले लीजिए कि छाती के ऊपर ध्यान इसलिए जाता है कि वो देखते हैं कि मतलब ये जितनी बड़ी छाती होगी जो भी होगा उसी हिसाब से मतलब ये अपने बच्चे का पालन पोषण अच्छे से। हाँ, मेरा बच्चा, जीन्स कहते हैं मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, हाँ, मेरे बच्चे का पालन पोषण अच्छा होगा, उसे भरपूर मात्रा में खुराक मिलेगी। हाँ, ग्रोथ वाली बात यहाँ से आएगी। हाँ, भरपूर मात्रा में भोजन मिलेगा, भोजन मिलेगा। अब जिसकी छाती नहीं है वो भोजन कहाँ से देगी? वो कहेगा अरे इससे जोड़ा बना के तो बच्चा भूखा मर जाएगा ना, छोड़ो इसको आगे बढ़ जाओ। तो जिसकी छाती नहीं होगी उससे कोई भी फीलिंग नहीं आती, अर्थात वो जीन्स कहते हैं इससे फीलिंग की जरूरत नहीं है। दरवाजा बंद करना मनीष, मैं ना ना वो वीडियो बना रहे। वीडियो बना, हाँ हाँ, बैल ले जाऊँ तेरे लिए, विक्की से लेके बैल ले जाऊँ। हाँ नहीं हाँ, बात कर ले निशा जाए, मनीष बात करिए, निशा जागे अठे जाओ कर दे तू। हाँ, तो ये यार मेरे ट्रैक्टर आ गया, वो शाम को कहो बीज कहीं भी है। ठीक, हाँ मनीष, हाँ